इमेजिन तुम कहीं बाहर गए थे और घर आके देखते हो घर पे ताला लगा हुआ है। अभी तुम अपने मम्मी को कॉल करते हो, फिर मम्मी एक आध घंटे बाद जब घर वापस आती है और लॉक खोलती है तभी तुम अंदर जा पाते हो। बट अगर तुम्हें एडिटिंग आती है तो सो वी मेड अ वीडियो ऑन माई ऑनेस्ट जेई स्टोरी एंड दैट वेंट वायरल। सिर्फ वो नहीं बल्कि और भी काफी सारे वीडियोस विद 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 एंड 2 लाख व्यूज। बट इन सारे वीडियोस के बीच में भी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो वाज हाउ डू यू एडिट वीडियोस। सो आई थॉट व्हाई नॉट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ एडिटिंग के बारे में नहीं बल्कि थॉट प्रोसेस, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, शूटिंग, थंबनेल क्रिएशन, यहाँ तक कि अपलोड करने तक के सारे स्टेप्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। बेसिकली ऑडियंस के लिए एक वीडियो की जर्नी शुरू होती है वीडियो अपलोड होने के बाद से, बट एक्चुअली ये कहानी शुरू होती है उससे कई दिनों पहले। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज डिसाइडिंग टॉपिक एंड थॉट प्रोसेस। सो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, दिन भर में चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते अलग अलग कंटेंट के आइडियाज दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन उनमें से किसको एग्जीक्यूट करना है वो हमें सोचना पड़ता है। पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या वो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है लाइक द प्रॉब्लम्स आई फेस्ड इन माय लास्ट 5 मंथ्स ऑफ जेई प्रेप, या फिर वो होने वाली है कोई डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग टाइप वीडियो जैसे कि माय कॉलेज लाइफ डॉक्यूमेंट्री, माय ऑनेस्ट जेई स्टोरी, माय फर्स्ट ईयर एट NITR, या फिर वो होने वाली है कोई नॉर्मल सी व्लॉग। क्योंकि हर एक वीडियो की टारगेट ऑडियंस, अटेंशन स्पैन एंड इवन वीडियो की वाइब बहुत ज्यादा अलग होती है एक दूसरे से। वो टाइम जा चुका है जब एक कैमरा के सामने चेयर पे बैठ के कुछ भी रैंडम चीजें बोलकर वीडियो में व्यूज आ जाते थे, एंड वो टाइम भी जा चुका है जब हे गाइस गुड मॉर्निंग वाले व्लॉग्स वायरल हुआ करते थे। चाहे वीडियो कैसी भी हो हमें उसे एसोसिएट करनी पड़ती है एक स्टोरी के साथ, अपने लाइफ की स्टोरी या फिर इन जनरल कोई भी एक स्टोरी, क्योंकि ज्ञान देने वाले तो हजार मिल जाएंगे पर अपनी कहानी सुनाने वाले बहुत कम। तो एक वीडियो की टॉपिक एंड थॉट प्रोसेस डिसाइड होने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, स्क्रिप्टिंग एंड म्यूजिक सिलेक्शन। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी अपने कॉलेज में आने वाले इंटर्नशिप सीजन, एंड दिस इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन रजिस्टर फॉर गीक ओलंपिक्स ऑन गीक्स फॉर गीक्स। यू हैव टू विजिट द गीक ओलंपिक्स पेज डेली एज देयर आर न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स कमिंग अप एवरी सिंगल डे। सो गीक ओलंपिक्स सीजन अल्टीमेट कोडिंग कॉन्टेस्ट ऑन गीक्स फॉर गीक्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। हियर वी कैन प्रैक्टिस कोडिंग डेली फॉर 24 डेज इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड विन एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स फॉर दैट। इस चैलेंज में वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डे एवरी सिंगल डे ऑन गीक्स फॉर गीक्स, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्वड प्रॉब्लम एंड अपलोड इट ऑन द GFG डिस्कॉर्ड चैनल फॉर POTD डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट 24 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ऑफ जुलाई टिल 27th ऑफ जुलाई। At the end of these 24 days, the GFG team will upload a Google form on the Discord channel, जिसमें कि हमें अपनी details भरनी पड़ेंगी और अपने details को submitted screenshots के साथ match करने के बाद we will be getting exciting rewards. So अगर आपको भी मेरे तरह daily consistently coding करने में दिक्कत होती है और consistency break हो जाती है, then this certainly is an incentive to keep your motivation up. So stay on track and be consistent in your coding journey. Register for Geek Olympics right now. The link is in description box below. अब चलते हैं वीडियो की तरफ। स्क्रिप्टिंग एंड म्यूजिक सिलेक्शन। स्क्रिप्टिंग एक वीडियो की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एंड सो इज म्यूजिक सिलेक्शन, क्योंकि एक वीडियो की वाइब उसकी म्यूजिक से ही पता लगती है। और म्यूजिक के इंपॉर्टेंस के एग्जांपल हम इस पार्ट से ले सकते हैं कि ये वीडियो एक नॉर्मल वीडियो है मेरे चल के जाने की। अब इसमें अगर हम एक मोटिवेशनल म्यूजिक डाल दें तो मोटिवेशनल सी वाइब आने लगती है, पर अगर सैड म्यूजिक डाल दे तो ये सेम वीडियो सैड लगने लगती है। सो इन माय केस म्यूजिक फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ अ वीडियो। तो पहले बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट करने के बाद मैं उस म्यूजिक को सुनते सुनते स्क्रिप्ट लिखना चालू करता हूँ। जैसे व्लॉग नो कॉपीराइट म्यूजिक, इन्फ्रैक्शन, इन ऑडियो वगैरह, तो यहाँ पर हर प्रकार की म्यूजिक मिल जाती है, बीट सैड, मोटिवेशनल, अपबीट, फंक, रेट्रो एटसेट्रा, दुनिया भर की म्यूजिक। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर जो कि है डायरेक्शन एंड वॉइस ओवर। अब ये बात भले ही उतनी बड़ी ना लगे बट अगर वॉइस के साथ वीडियो क्लिप सही से मैच ना करे तो एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट भी हम अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर सकते। सो पहले होती है पूरे वीडियो की वॉइस ओवर विच टेक्स अराउंड 2 to 4 hours। और वॉइस ओवर के लिए मैं पहले तो उसे फोन पे ही करता था, पर अभी आई यूज बोया M1 माइक जो करीब 900 rupees की आती है और इस पे ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। वॉइस ओवर पूरी कंप्लीट करने के बाद उसी वॉइस ओवर को 15 से 20 बार सुनते सुनते अलग अलग शूटिंग आइडियाज दिमाग में आते रहते हैं और उन्हीं आइडियाज को नोट करके हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ जो कि है शूटिंग एंड रीशूटिंग। अब शूटिंग के लिए मैं इक्विपमेंट्स यूज करता हूँ, ये बड़ी वाली ट्राइपॉड, ये हैंडहेल्ड ट्राइपॉड व्लॉग करने के लिए, एंड फोन सैमसंग गैलेक्सी M21। सो अगर कोई अभी यूट्यूब करना स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इनिशियली कोई खर्चे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू किया था बिना ट्राइपॉड से सिर्फ फोन पे शूट करके और तब से अभी 2 साल होने वाले हैं, मैं अभी तक सिर्फ फोन पे शूट कर रहा हूँ। अब शूटिंग में ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, लाइटिंग, कैमरा एंगल एंड कैमरा सेटिंग्स। प्रॉपर फिल्म मेकिंग टर्म्स में जाए तो फिर इन एक एक टॉपिक पर एक एक घंटे का वीडियो बन सकता है, पर अगर शॉर्ट में बताएं तो कैमरा एंगल में ये 3 चीजें होती है, ए रोल, बी रोल
एंड हाइपरलैप्सिस। ए रोल मींस वो सारी शॉट्स जिसमें हम कैमरा की तरफ देख करके कुछ चीजें बोल रहे होते हैं या फिर सिंपली फ्रंट कैमरा से व्लॉग कर रहे होते हैं। बी रोल मींस सारी सिनेमैटिक एंड स्लो मोशन शॉट्स जो हम जनरली फोन के रियर कैमरा से लेते हैं। और थर्ड आती है हाइपरलैप्स। एनीवेज ऐसे कंटिन्यूस शूट्स एंड रीशूट्स के बाद फाइनली सारी क्लिप्स अपनी रेडी हो जाती है एंड हम चलते हैं अपने वीडियो क्रिएशन के आखिरी पड़ाव पर जो कि है एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन। ऐसा मानो कि अब तक हमने नमक, मिर्च, बटर, मसाले, धनिया और सब्जी वगैरह इकट्ठा कर लिया था, तो अभी टाइम आता है उन सारी चीजों को गैस पर चढ़ा करके पनीर बटर मसाला बनाने का। मैस वाली नहीं, घर वाली। तो सारी वॉइस ओवर, ऑडियो, म्यूजिक, वीडियो फाइल्स और फोटोज मिला करके अप्रोक्सीमेटली 60-70 GB की फाइल्स पहले हमें लैपटॉप पर ट्रांसफर करानी होती है। और अगर लैपटॉप की बात करें तो आई यूज मैकबुक एयर 2020 विद इंटेल कोर समथिंग समथिंग, जो कि मुझे अभी याद नहीं है, पर अभी मैकबुक एयर M1 आ चुकी है जो कि इस लैपटॉप से करीब 4 times फास्टर है। हाँ, इस लैपटॉप पर गेम्स नहीं खेल सकते, पर वो भी अलग बात है कि मुझे गेम खेलने का टाइम भी नहीं होता। एडिटिंग में आई यूज डाविंची रिजॉल्व, इसकी फ्री वर्जन भी आती है और पेड वर्जन भी। एंड जनरली सारे के सारे काम जो कि प्रीमियर प्रो और FCP में कर सकते हैं वो डाविंची रिजॉल्व के फ्री वर्जन में ही कर लेते हैं। अब अपनी एडिटिंग वर्क फ्लो कुछ ऐसी होती है कि पहले हम एडिट करते हैं अपने वॉइस ओवर को, क्योंकि वो ही अपनी वीडियो की बेस होती है। अब जो ओरिजिनल वॉइस ओवर निकल के आती है अपनी रिकॉर्डिंग के बाद वो होती है अराउंड 18 से 20 मिनट की। तो उस ओरिजिनल फाइल में बहुत सारे एरर्स, रिपीटेशंस, एक्सटेंडेड पार्ट्स, बैकग्राउंड नॉइजेस वगैरह कट करने के बाद फाइनली अपनी वॉइस ओवर रह जाती है करीब 7-8 मिनट की, और अपनी वीडियो भी एट द एंड उतने ही लेंथ की बनती है। कभी कभी कुछ कुछ वीडियोस हम खुद से शूट कर ही नहीं सकते, या तो शूट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है या फिर वैसी लोकेशन अपने पास होती नहीं है, तो उन केसेस में हम यूज करते हैं स्टॉक फुटेजेस। अब स्टॉक फुटेजेस फ्री में हम डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्सेल्स, पिक्सबे वगैरह बहुत सारी साइट्स है। अब एक वीडियो में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसकी विजुअल इफेक्ट्स, कलर्स और साउंड इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स हमें खुद से बनाना पड़ता है, जिसके लिए मैं यूज करता हूँ डाविंची रिजॉल्व का फ्यूजन टैब। अब कलर ग्रेड करने के लिए डाविंची रिजॉल्व की कलर टैब, बट मैं फोन से शूट करता हूँ तो कलर ग्रेड करने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। अब थंबनेल बनाने के लिए मैं जनरली यूज करता हूँ डाविंची रिजॉल्व और कैनवा। चाहे वीडियो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर थंबनेल अच्छी ना हो तो वीडियो पे कभी व्यूज नहीं आने वाले। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं, फॉल्स और फेक क्लिकबेट थंबनेल्स बना करके। भले वीडियो और थंबनेल का दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो, पर इनको मतलब होता है सिर्फ अपने व्यूज से। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि YouTube पे लाखों तरह के क्रिएटर्स मिल जाएंगे, जिनमें से कि बहुत सारे क्रिएटर्स सिर्फ व्यूज और पैसों के लिए YouTube पर आते हैं, पर इनमें से सिर्फ कुछ ही क्रिएटर्स होते हैं जो YouTube पे आते हैं लॉयल्टी के लिए।